हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशंस DS2। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन ऑफ फिजिक्स सीरीज, दैट इज अ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन ये लेसन हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे NCERT के अंदर है, दैट इज एज वेल एज इन अवर बोर्ड्स के अंदर भी ये लेसन यहाँ पर अपने को पढ़ना होता है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन ये कोई नया लेसन नहीं है आपके लिए, ये आपने 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपने यहाँ पर ग्रेविटेशन का पार्ट पढ़ा था। 10th में हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन में, दैट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद केपलर्स लॉज का आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन था, है ना। इसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन एज वेल एज काइनामेटिकल इक्वेशंस, ये सभी पार्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया है, पढ़ा है। ठीक है, उसके आगे का पार्ट हम यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, अबाउट दी ग्रेविटेशन। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ दी सेंटेंस आई हैव रिटन ऑन दी बोर्ड, लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, चलो समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट और बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है, हैज़ अ टेंडेंसी, जिसकी टेंडेंसी होती है, किसकी टेंडेंसी होती है, टू अट्रैक्ट टूवर्ड दी अर्थ। ठीक है, अर्थ के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी मटेरियल की, कोई भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जो कि अर्थ के तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ओके, सो ऑब्जेक्ट हैज एन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स दी अर्थ इज दैट, ये आपको पता है, अर्थ के तरफ सभी चीजें क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ओके, जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम यहां पर कंसिडर करते हैं, फर्स्ट फॉलिंग ऑफ ए कोकोनट, फॉलिंग ऑफ ए कोकोनट फ्रॉम ए ट्री। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, जो कोकोनट है ये ट्री से क्या हो रहा है, गिर रहा है। ओके, अब कोकोनट ट्री से गिरने वाला है तो ऊपर तो नहीं गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। ठीक है, कोकोनट नीचे ही फॉल होने वाला है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोकोनट नीचे ही गिरने वाला है। ओके, अनदर एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स टूवर्ड्स दी अर्थ, टूवर्ड्स दी अर्थ। देखो, अब अनदर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, मतलब बारिश की जो बूंदे हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, वो कहाँ पर गिरने वाली है, अर्थ सरफेस के ऊपर गिरने वाली है। ओके, सो रेन ड्रॉप्स विल फॉल ऑन दी अर्थ सरफेस, रेन ड्रॉप्स यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर ही गिरेंगी, बल्कि ऊपर जाने वाली है क्या ये, नहीं, ये नीचे ही गिरने वाली है बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये तो क्या, ये तो हर किसी को पता है, इसके अंदर क्या न्यू था, देखो इसके अंदर ये न्यू है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मटेरियल, जो भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, सो बोथ दीज आर एग्जांपल्स इन विच द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों भी एग्जांपल के अंदर क्या है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो क्या है, दोनों भी एग्जाम्पल में कांस्टेंट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, पता होना चाहिए आपको, दैट इज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन यू कैन से दैट बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। ओके, एंड इफ द velocity get decreases with respect to time, then you can say that body is deaccelerated or retarded. ठीक है, जब acceleration हो रहा है, कोई भी body का acceleration हो रहा है, तब velocity क्या होगी उस body की,
इंक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है। तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स जब यहाँ पर फॉल करेंगे अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ, तो उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा अपने को गैलीलियो सर ने कहा था। ओके, सो टोल्ड बाय द गैलीलियो दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ दे फॉल्स विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो गैलीलियो सर ने किसके बारे में बताया था, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। सो गैलीलियो टोल्ड अबाउट दी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कि जो भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अर्थ के तरफ उसका एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कंसिडर होने वाला है, ठीक है। अब ये गैलीलियो सर ने ये जो प्रेडिक्शन दिया था, ये किसके बेसिस या फिर किसके बेसिस के ऊपर रिगार्डिंग ये इन्होंने यहाँ पर अजम्पशन या फिर कंक्लूजन दिया है, ठीक है। गैलीलियो सर ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दो डिफरेंट मासेस कंसिडर किए थे, ओके, ही हैड कंसिडर द टू डिफरेंट मासेस, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, एक बॉडी है मेरा, ठीक है, जिसका मास है सपोज यहाँ पर m1, ठीक है, अनदर बॉडी हैविंग द मास दैट इज m2, ठीक है। गैलीलियो सर ने क्या किया था, टू डिफरेंट मासेस कंसिडर किए थे और फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, उनको हाइट के ऊपर लेकर गया था, और हाइट के ऊपर लेकर जाने के बाद वहां से क्या किया था, इन दोनों मासेस को रिलीज किया था, ठीक है। अब फ्रॉम हाइट व्हेन दीज टू मासेस आर गेट रिलीज्ड दे कम टू द सरफेस, ठीक है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर आने वाले हैं। जब भी हम दो मासेस को यहाँ पर ऊपर से रिलीज करेंगे तो अर्थ सरफेस पे दोनों भी मासेस आने वाले हैं, ठीक है। तो गैलीलियो सर ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, इन्होंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व करके ही कंक्लूजन निकाला है कि ये दोनों मासेस का लैंड होने का जो टाइमिंग है वो क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब M2 मास को जितना टाइम यहाँ पर लगता है उतना सेम टाइम यहाँ पर M1 मास को यहाँ पर लगने वाला है, ऐसा गैलीलियो सर ने एक्सपेरिमेंटेशन से कंक्लूजन यहाँ पर निकाला था, ठीक है। मतलब मास यहाँ पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका मास ज़्यादा है वो इजीली या फिर जल्दी से लैंड के ऊपर यहाँ पर सरफेस के ऊपर लैंड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिसका मास छोटा है वो लेट आने वाला है ऐसा भी नहीं है, दोनों का जो टाइम है वो सेम रहेगा। मतलब जो भी फॉलिंग बॉडी है टूवर्ड्स द अर्थ वो कैसे परफॉर्म करती है मोशन, विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, सो वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है। सो दैट मोशन इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से ये मोशन यहाँ पर होता है। ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का ये इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर पहले स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आगे इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, ओके, इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन जिनका नाम है दैट इज आर्यभट्टा, ओके। सो आर्यभट्टा सर ने यहाँ पर कुछ सन मून एज वेल एज अर्थ इनके मोशन के ऊपर इन्होंने यहाँ पर काम किया था। जैसे कि आपको पता होगा आर्यभट्टा सर ने यहाँ पर जीरो को इन्वेंट किया है, जीरो का डिस्कवरी करने वाला ये अपना पर्सन है, दैट इज आर्यभट्टा, ही इज इंडियन, ओके। सो एस्ट्रोनॉमर भी थे ये, मैथमेटिशियन भी थे, जिन्होंने यहाँ पर किसके ऊपर काम किया था, ही स्टडीड द मोशन ऑफ दैट इज अ मोशन ऑफ सन मून एंड अर्थ, ठीक है। सन मून एंड अर्थ के ऊपर मोशन कुछ किस तरीके से होती है, इनकी मोशन किस तरीके से होती है, इसके ऊपर आर्यभट्टा सर ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला था सबसे पहले कि जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ खुद के ओन एक्सिस में घूमती है और सन के अराउंड घूमती है, ओके। सो ये आपको पता है अर्थ रिवॉल्व्स इन इट्स ओन ऑर्बिट,
ठीक है, जो अर्थ है वो उसके खुद के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है एंड रिवॉल्व्स, या फिर इसको यहाँ पर रोटेट भी लिख सकता था मैं यहाँ पर, दैट रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अर्थ है ये मेरी सन के अराउंड घूमती है। ओके, सो अर्थ रिवॉल्व्स इन इट्स ओन ऑर्बिट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अर्थ है ये यहाँ पर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, सन के अराउंड ये यहां पर क्या करती है, घूमती है। ओके, सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमने का काम होता है अर्थ का, ये आपको पता है। ओके, एंड द मून मून रिवॉल्व्स अराउंड, मून रिवॉल्व्स, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, और जो मून है ये अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये दोनों भी प्रेडिक्शन, ये दोनों भी कंक्लूजन अपने को किसने दिए थे, ये दोनों भी प्रेडिक्शन और दोनों भी कंक्लूजन अपने को यहाँ पर आर्यभट्टा सर ने दिए थे। ठीक है, आर्यभट्टा सर ने यहाँ पर सबसे पहले ये अपने को बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ सूर्य जो कि सन के अराउंड में यहाँ पर घूमती है, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड यहाँ पर रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर काम किया था। इसके बाद प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर किसने काम किया है, सो प्लैनेटरी मोशन दी टोटल डेटा ऑफ प्लैनेटरी प्लैनेटरी मोशन, द टोटल डेटा ऑफ प्लैनेटरी मोशन वॉज कलेक्टेड बाय टाइको ब्राही। टाइको ब्राही, देखो टाइको ब्राही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट हू कलेक्टेड दी ऑल दी डेटा और ही डन ऑल दी स्टडीज फॉर दी प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, टाइको ब्राही सर ने क्या किया था, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर काम किया था कई सारे साल इन्होंने। टाइको ब्राही सर ने क्या किया है, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर काम किया है कि प्लैनेट्स की मोशन किस तरीके से होती है, प्लैनेट्स किस ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, कई सारे साल इन्होंने इसके अंदर डाले थे। ठीक है, और इन्होंने डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया था। ओके, सो द टोटल डेटा ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, जो टोटल डेटा होने वाला है प्लैनेटरी मोशन का, प्लैनेटरी मोशन का टोटल डेटा किसने कलेक्ट किया था, टाइको ब्राही सर ने यहाँ पर ये डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, और ये प्लैनेटरी मोशन का डेटा यूज किसने किया है, टाइको ब्राही सर का जो ये डेटा है ये जॉनस केपलर इस साइंटिस्ट ने यहाँ पर यूज किया है। क्यों यूज किया है, टू फॉर्मुलेट दी थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में उसका इंट्रोडक्शन यहां पर लिया है। ओके, सो केपलर केपलर यूज्ड द डेटा कलेक्शन ऑफ टाइको ब्राही फॉर फॉर्मुलेटिंग for formulating three laws of planetary three laws of planetary motion। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, केपलर यूज्ड द डेटा कलेक्शन, केपलर ने क्या किया था, केपलर सर ने यहाँ पर डेटा कलेक्शन को यूज किया। किसके डेटा कलेक्शन को इन्होंने यूज किया, टाइको ब्राही सर के डेटा कलेक्शन को इसने यूज किया। टाइको ब्राही ने किसके ऊपर काम किया था, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर काम किया था। ओके, सो टाइको ब्राही डन द वर्क ऑन द प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स की मोशन किस तरीके से होती है, सो कौन से ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट्स यहाँ पर रिवॉल्यूशन करते हैं, मोशन परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर कई सारा काम टाइको ब्राही सर ने किया था। और उनका जो डेटा है ये जोनास केपलर केपलर ने यहाँ पर यूज किया है। क्यों यूज किया है, फॉर फॉर्मुलेटिंग लॉज बनाने के लिए, फॉर फॉर्मुलेटिंग द थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तीन प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज है जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं उसको हमें यहाँ पर फिर से पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर भी इनरोल करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर प्लेना केपलर ने क्या किया था, ये लॉज को फॉर्मुलेट किया है, थ्री लॉज केपलर ने फॉर्मुलेट किए। ठीक है, टाइको ब्राही का डेटा यहाँ पर यूज
करके ओके। अब और आगे का डिस्कशन मैं आपके साथ में करना चाहूँगा, दैट इज अब आर्यभट्टा सर ने जो अपने को बताया था कि जो सन है या फिर जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। अब आपको पहले क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि सर तो अपने को ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सन स्टार मून की बात क्यों हो रही है? सो ये बात क्यों हो रही है, ये जो मोशन है सन के अराउंड जो अर्थ अपनी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, ये किस वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटेशन के वजह से हो रहा है। जो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन, दैट वॉज कंक्लूडेड और डिटेक्टेड बाय द न्यूटन। ठीक है, जो कि न्यूटन सर ने, आइजैक न्यूटन सर ने यहाँ पर ये कंक्लूजन दिया था कि ये जो मोशन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है, प्लैनेट्स की हम बोलेंगे, या फिर सन या फिर मून की जो यहाँ पर मोशन परफॉर्म हो रही है, ये क्यों हो रही है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मोशन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। ठीक है, और भी मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो द मोशन ऑफ सन एंड मून एज वेल एज अर्थ is due to the gravitational force that was told by the Isaac Newton, okay, जो कि अपने को यहाँ पर न्यूटन सर ने यहाँ पर ये अपने को बताया था, ये कंक्लूजन अपने को यहाँ पर न्यूटन सर ने दिया है। ठीक है, कि ये जो यहाँ पर मोशन हो रही है, किसकी मोशन? सन मून एंड अर्थ की जो यहाँ पर ये मोशन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो कि हम ये इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो ये न्यूटन सर ने अपने को बताया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर फोर्स than the fundamental forces। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मेरा वीकर फोर्स है। ठीक है, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट फोर्स है, ये वीक फोर्स है एज कंपेयर टू देन दी फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस से ये काफी ज्यादा क्या है, वीक फोर्स है, वीक। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फोर्सेस? फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर चार फोर्सेस आते हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़े हैं। पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या, दैट इज द चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेट्स के बीच में या फिर मेटल एंड मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए क्या यूज़ होता है, न्यूक्लियॉन्स आर यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस की बाइंडिंग के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहते हैं। फोर्थ इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चौथा जो फोर्स है वो क्या है, मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। चौथा जो यहां पर फोर्स है मेरा वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, सो फोर्थ इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज देयर। सो ये हम यहां पर देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एज वेल एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर देयर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स, that is nothing but a simply the force between the nucleons, nucleons के बीच में जो force होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, weak nuclear force कहते हैं। ठीक है, so ये मेरे चार fundamental force होते हैं, gravitational, electromagnetic, strong nuclear and weak nuclear। ठीक है, चलो, so gravitational force ये weaker force है, ये बहुत ही weak force होता है।
ठीक है, दैट इज 10^-39 टाइम्स वीकर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो 10^-39 टाइम्स वीकर फोर्स होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। किससे हम कंपेयर करें तो, हम अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कंपेयर करें तो, ओके, इफ वी हैव कंपेयर दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10^-39 टाइम्स लेस रहने वाला है एज कंपेयर टू अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन, ये इस लेसन का क्या है, सिंपल ओवरव्यू है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज नथिंग बट दी केपलर्स लॉज, ठीक है, केपलर्स लॉज जो कि किसके हैं, ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, केपलर्स लॉज जो कि प्लैनेटरी मोशन के अंदर होते हैं, ये अपने को यहाँ पर स्टडी करना है कि केपलर ने तीन लॉज का यहाँ पर फॉर्मुलेशन किया है, ओके, सो ही फॉर्मुलेटेड थ्री लॉज, ठीक है, केपलर ने क्या किया है, तीन लॉज का यहाँ पर फॉर्मुलेशन किया है, केपलर फॉर्मुलेटेड द थ्री लॉज, तीन लॉज इसने बनाए हैं, ठीक है, जिसके अंदर से फर्स्ट टू लॉज जो कि फॉर्मुलेट हुए हैं 1609 के अंदर, ठीक है, तो दिस इज अ ईयर 1609 के अंदर फर्स्ट टू लॉज का यहाँ पर इन्वेंशन हुआ है। पहले जो दो लॉज हैं वो यहाँ पर डिस्कवर हुए थे 1609 के अंदर, एंड द थर्ड लॉ वॉज डिस्कवर्ड इन दी 1619 के अंदर तीसरा लॉ यहाँ पर डिस्कवर हुआ था या फिर इन्वेंट हुआ था। देखो मतलब पहला और दूसरा लॉ 1609 में यहाँ पर इन्वेंट हो चुका था, लेकिन 1619 में तीसरा लॉ यहाँ पर इन्वेंट हुआ है। सो यहाँ पर ये जो गैप है कितने ईयर्स का है, 10 ईयर्स का ये गैप है, तो ये 10 ईयर्स के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, थर्ड लॉ इन्वेंट हुआ है, ठीक है, 10 ईयर्स के बाद में यहाँ पर ये थर्ड लॉ का इन्वेंशन केपलर सर ने यहाँ पर किया है। सो केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, सो टोटल अपने को यहाँ पर थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ने हैं, जिसके अंदर से पहला लॉ आज हम यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके, सो वी विल सी दी फर्स्ट लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन, ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट लॉ या फिर केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट जो कि ऑर्बिट का लॉ होता है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन थोड़ा एडवांस पार्ट अपने को यहाँ से देखना है, ओके, सो लॉ ऑफ ऑर्बिट दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। क्या है पहला लॉ, उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स। देखो ये मेरा फर्स्ट लॉ है, इसका मीनिंग क्या होता है जानेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे ऑल द प्लैनेट्स, सभी जो प्लैनेट्स हैं, ओके, सो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व, सभी प्लैनेट्स यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं इन इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल का मीनिंग क्या है,
अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं और उसको कंप्रेस करूं तो वहां पर एक एग का शेप प्रॉपर बन के निकलेगा, एग का शेप आपको दिखाई देगा, एग। ओके, सो ये एग के शेप के अंदर ये ऑर्बिट होता है, दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्लैनेट्स घूमते हैं। प्लैनेट्स के घूमने का रास्ता होता है, जैसे हम ट्रैक के ऊपर या फिर रोड के ऊपर चलते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स भी, प्लैनेट्स का भी एक रोड होता है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, शेल के अंदर घूमते हैं, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। सो ये जो प्लैनेट्स हैं ये मेरे रिवॉल्व करने वाले किसके अंदर, इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। ओके, सो अराउंड द सन, सन के अराउंड ये प्लैनेट जो है ये मेरे घूमने वाले हैं। ओके, विथ द सन, विथ द सन, जो कि सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, और आपका जो सन है ये कहां पर लाया करेगा, वन ऑफ द फोकाई के ऊपर लाया करेगा। सो फोकाई, दिस इज अ प्लूरल वर्ड एंड फोकस इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। सो मैं जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो और भी अच्छे से आपको ये लॉ समझ में आएगा। चलो, सो एक्चुअली मैं यहां पर पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फर्स्ट लॉ के लिए। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द वन ऑफ द इलिप्स, ये मेरा एक वन ऑफ द इलिप्स है। ओके, सो दिस इज इलिप्स, ये इलिप्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस इलिप्स के अंदर यहां पर मैं कंसिडर करता हूं कि यहां पर एक मेरा फोकस है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर एक मेरा यहां पर फोकस है। ओके, इस पॉइंट को यहां पर मैं लेबल करता हूं दिस इज एस पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं यहां पर लेबल कर रहा हूं दिस इज एस डैश पॉइंट। ओके, सो एस एंड एस डैश, ये मेरे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी मेरा फोकस है, ये भी मेरा फोकस है। कितने फोकस होते हैं, दो। इन दोनों फोकस को कहना है तो फोकाय कहते हैं, फोकाय इज अ प्लूरल वर्ड एंड फोकस इज द सिंगुलर वर्ड, ठीक है। ओके, अब मैं कंसिडर यहां पर कर रहा हूं कि जो मेरा सन है, सन क्या रहेगा, कोई भी एक फोकाय के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर है, द सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाय ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स के दोनों फोकस के अंदर से कोई भी एक फोकस के ऊपर क्या रहेगा, आपका सन रहेगा। तो एस पॉइंट के ऊपर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरा सन यहां पर है। ओके, सो सन इज प्रेजेंट, जो सन है ये कहां पर है, ये एस पॉइंट के ऊपर है, ऐसा हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो सन इज एट द एस पॉइंट, इज दर एस पॉइंट के ऊपर मेरा सन है, ठीक है। और ये जो आपको ऑर्बिट दिखाई दे रही है, इसके ऊपर रिवॉल्यूएशन कर रहा है कौन, इसके ऊपर प्लैनेट रिवॉल्यूएशन कर रहा है। सो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन दिस इलेप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, दिस इज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये मैंने डायग्राम के फॉर्मेट के अंदर आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो एक्सिस होते हैं, टू एक्सिस आर देयर, जो कि दो एक्सिस में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सिस जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, सेकेंड एक्सिस, ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और दूसरा एक मेरा यहाँ पर रहेगा, दिस विल बी द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसको हम बोलेंगे ओ पॉइंट, ठीक है। ये एक्सिस क्यों हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा। देखो, अब मेरा मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर नाम दे देता हूँ, दिस इज अ पी पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज अ सपोज आर पॉइंट, इसको हम बोलेंगे एम पॉइंट है, ये मेरा एक एन पॉइंट है, ठीक है। सो दीज आर दी एम एंड एन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे कहा जाता है मेजर एक्सिस, क्या कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एज दी मेजर एक्सिस, एम ए जे ओ आर, मेजर एक्सिस, दिस इज अ मेजर एक्सिस। और इसका जो मेजरमेंट होता है ये होता है ट्वाइस ऑफ ए, अगर मेरा मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ ए है, ट्वाइस ऑफ ए मतलब मेजरमेंट क्या है इसका, पी से लेकर के आर के बीच में, पी से लेकर के आर के बीच में कितना है मेजरमेंट, ट्वाइस ऑफ ए। सो पी से लेकर के ओ का डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, ठीक है। अगर ये पी से आर का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए है तो पी से ओ तक का डिस्टेंस ए रहेगा, ओ से आर का भी डिस्टेंस ए रहेगा। सो इन एक्सिस का नाम भी चेंज हो जाएगा, ये छोटे वाले जो एक्सिस है मैं यहां पर लिख देता हूं, पी से लेकर के आर जो है इसको आप क्या कहोगे, मेजर एक्सिस। ओके, सो ये रहेगा मेरा मेजर एक्सिस जिसका वैल्यू रहता है ट्वाइस ऑफ ए। इसके बाद पी से लेकर के ओ, पी से लेकर के ओ एंड ओ से लेकर के आर, इसको कहा जाता है सेमी मेजर, सेमी मेजर एक्सिस, जो कि उसका मेजरमेंट होता है केवल ए।
ओके सो इतने एक्सिस को सेमी मेजर कहा जाता है, ये भी एक्सिस को हम सेमी मेजर कहते हैं, ठीक है। इसका कितना होता है वैल्यू, दैट इज अ ट्वाइस ऑफ ए, जो कि लिख रखा है मैंने वहां पे, ओके। इसके बाद में यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस दैट इज यमयन। अब वर्टिकल एक्सिस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है माइनर माइनर एक्सिस, ओके। वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज अ माइनर एक्सिस और इसका मेजरमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी के बराबर, ठीक है। मतलब ये टोटल मेजरमेंट होता है ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। सो यहाँ पर इतना आधा एक्सिस और ये आधे एक्सिस को हम क्या कह सकते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, ओके। सो यम ओ एंड यन ओ कैन बी कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस, इसको कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस, बोलो ई बोलो वेरिएबल, ठीक है। सो ये जो इसका जो रीडिंग होता है दैट विल बी बी, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस क्या होगा मेरा, बी रहेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक्सिस के नाम याद होने चाहिए आपको। इसके बाद लास्ट पॉइंट, सन से जो नियरेस्ट पॉइंट है, ओके, द नियरेस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सन और द नियरेस्ट प्लान नियरेस्ट पॉइंट जो होता है सन से, उसको कहा जाता है दैट इज अ पेरिहेलियन, पेरिहेलियन। जो सन से नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको पेरिहेलियन कहा जाता है। द पॉइंट फार्थेस्ट फ्रॉम द सन, जो पॉइंट फार्थेस्ट डिस्टेंस के ऊपर होता है, दूर के डिस्टेंस के ऊपर होता है सन से, उसको कहा जाता है एपहेलियन, दैट इज कॉल्ड एज एपहेलियन, ठीक है। तो हमें यहां पर एमसीक्यूज के अंदर, सीईटी के अंदर, नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सन से नियरेस्ट वाला पॉइंट, उसके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पेरिहेलियन कहा जाता है नियरेस्ट वाले पॉइंट को सन से, और सन से दूर वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, एपहेलियन। दोनों के एंडिंग में क्या है, हेलियन है, इधर भी हेलियन है, लेकिन यहाँ पर एपहेलियन है, यहाँ पर पेरिहेलियन है, ओके। सो इन दिस वे, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन एंड द केपलर्स फर्स्ट लॉ, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।